about ears. Dear viewers and students, well, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. But today I have selected or I brought a great new topic for you, a new topic for you. And today's lecture video, we are going to discuss about how to improve grammar and is grammar important for any language. उम्मीद करती हूँ viewers आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुशनुमा होंगे. Definitely आप लोग घरों में होंगे, घरों में होना भी चाहिए. आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपने अपने ग्रामर को कैसे इम्प्रूव करना है, ग्रामर को और क्या ग्रामर जो है वो किसी लैंग्वेज के सीखने के लिए जरूरी है या नहीं जरूरी. तो आज हम ये डिस्कस करेंगे. ये लेक्चर वीडियो जो है स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनके इंग्लिश के लिए क्रेज है, तो उनके लिए है. सबसे पहले तो मैं आपको ग्रामर के हवाले से बताना चाहूंगी कि किसी भी लैंग्वेज के सीखने से पहले, किसी लैंग्वेज को सीखने से पहले ग्रामर जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है. और हर एक लैंग्वेज को सीखने से पहले बंदा जो है वो ग्रामर सीखता है, ग्रामर के मेन पॉइंट सीखता है, ग्रामर की बेसिक सीखता है. उसके बाद वो एक लैंग्वेज के सीखने के लिए जाता है, वोकैबुलरी सीखता है, फिर इस तरह कोशिश करता है कि और चीजें सीखे. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है किसी भी लैंग्वेज की अगर हम बात करें पंजाबी की, पश्तो की, उर्दू की या और ऐसे बहुत से जुबानें हैं जिसको सीखने के लिए उनके लिए अपनी ग्रामर होती है. सिर्फ इंग्लिश की बात मैं नहीं करूँ, सिर्फ अंग्रेजी की बात मैं नहीं करूँ, हमारे पास और बहुत से लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उनके जो है अपने ग्रामर होते हैं, ग्रामर स्ट्रक्चर्स उनके होते हैं, अपने ग्रामेटिकल टर्म्स होते हैं, अपनी वोकैबुलरी होती है. तो उसको सीखने के लिए, उस लैंग्वेज को सबसे पहले आपको ग्रामेटिकल टर्म्स लैंग्वेज को सीखने चाहिए. तो इसी तरह सेम लाइक द केस हियर, इंग्लिश के भी अपना इंग्लिश का भी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए. सबसे पहले मैं आपको बता दीजिए कि इंग्लिश सीखने के लिए अगर आप रियल में सीरियसली अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप में शौक होना चाहिए. शौक से मुराद मेरे ये है कि आपको सबसे पहले इंग्लिश के लिए क्रेज होना चाहिए, कि आप इंग्लिश के लिए बिल्कुल क्रेज आप में हो इंग्लिश के लिए. हाँ, मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे इंग्लिश बोलना है, मुझे इंग्लिश समझनी है, मुझे इंग्लिश की वजह से न्यू न्यू बुक्स पढ़नी है, न्यू न्यू आइडियाज क्रिएट करनी है. तो इसलिए आप इंग्लिश सीख पाएंगे, देयर विल बी नो डिफिकल्टी फॉर यू इफ यू हैव द फायर ऑफ इंग्लिश. अगर आप इंग्लिश के लिए क्रेजी है, आपका शौक है, फायर है, तो आप इंग्लिश सीख सकेंगे. अच्छा, फिर ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि ग्रामर की वजह से वो इंग्लिश सीखना छोड़ देते हैं. ग्रामर से बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ग्रामर से दूर भागते हैं, दैट बिकॉज ऑफ द ग्रामर दे लीव इंग्लिश सब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ द ग्रामर दे फेल एन एग्जाम, बिकॉज ऑफ द ग्रामर दे लीव इंग्लिश क्लासेस. सो ग्रामर की वजह से वो इतने डिस्टर्ब होते हैं. एंड ग्रामर जो है, ग्रामर इज इफ यू एफ आई टेल यू ग्रामर इज रियली कॉम्प्लिकेटेड थिंग एंड यू नो students, if grammar stresses on students and just a stress, grammar is just like a stress and burden on students. But in enlightening English seekhna jo hai bahut hi asaan hai, it's not difficult. Grammar bhi seekhna bahut hi asaan hai, it's not difficult. But it depends on you, ye aap par khud depend karta hai ki aap kaise samajh rahe hain. Aapka shauk hai to aap seekh sakte hain, lekin agar aapne socha ki grammar is very difficult, then yes, it is difficult for you. But if you say it is easy, then yes, it is easy for you. Okay? So I have written some point here. I will not take much of your time. We will move towards the point. So मैंने कुछ point दिए हैं, इसी तरह move करेंगे. So सबसे पहला point जो हमारे पास है वो है read. क्या है? First point में है read. अब read का क्या मतलब है? देखें, आपने grammar सीखनी है ना, तो आप ऐसे सीखें आप शौक हो grammar के सीखने के साथ. अब मैं ये नहीं कहती कि ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं कि वो क्लासेस, ग्रामर की क्लासेस जो है ज्यादा है, तो वहां पर वो लोग सही नहीं सीखते. आप घर में भी खुद ग्रामर सीख सकते हैं. कैसे सीख सकते हैं, मैं आज आपको यही बता रही हूँ कि रीड, रीड मीन्स आप जो है स्टोरी बुक्स रीड किया करें, डिफरेंट स्टोरी बुक्स, डिफरेंट नॉवल बुक्स, डिफरेंट न्यूज पेपर रीड किया करें, डॉन न्यूज पेपर, इस तरह और भी बहुत से न्यूज पेपर हमारे पास है कि उसमें आप लोग न्यू वोकैबुलरी वर्ड सीखेंगे, उसमें आप डिफरेंट थिंग्स सीखेंगे. एक तो ये है कि उसमें आपके आईज जो है वो जब मूव करेंगे तो आपके ऐसे ऐसे लाइंस पर आईज मूव करेंगे जहाँ पर ग्रामेटिकल टर्म्स होंगे, जहाँ पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, जहाँ पर एडवर्ब वर्ब्स वगैरह हमारे पास होंगे, जहाँ पर डिफरेंट फ्रेजेस हमारे पास होंगे. तो आपके आईज जब उस पर मूव करेंगी तो आप न्यू न्यू चीज़ें सीखेंगे उसे. और ये
जब आप वो लफ्ज बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, बार बार स्टोरी बुक्स में पढ़ेंगे, बार बार नॉवेल्स में पढ़ेंगे, तो इससे ये फायदा होगा कि आपकी जो आईज है और दिमाग है उसमें वो बैठ जाएगा, आपके दिमाग में वो लाइन्स, वो रिपीटेड वर्ड्स बार बार आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। जिस तरह आपने देखा होंगे ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि उनको उन्होंने कभी ग्रामर देखी ही नहीं होती, ग्रामर पढ़ी ही नहीं होती, लेकिन जैसे आप उनको एक सेंटेंस बता देते हो कि ये देखिए ये राइट है, करेक्ट है, याद होंगे, उनको ग्रामर का पता नहीं होगा, लेकिन वो क्या कहेंगे कि अगर गलत सेंटेंस है तो वो कहेंगे कि ये रॉन्ग है, तो आपने कहा क्यों रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है इसमें, क्या गलती है इस सेंटेंस में, तो वो आपसे कहेंगे कि मुझे ये तो नहीं पता कि क्या गलत है इस सेंटेंस में, लेकिन मेरी जो माइंड है मेरा माइंड इसको नहीं मानता, मैंने ये सेंटेंस कभी सुना नहीं। तो इट मीन्स कि वो बार बार रीडिंग करते हैं, बार बार सुनते हैं चीज़ों को, बार बार ऑब्जर्व करते हैं वर्ड्स को, जब वो न्यू लाइन देखते हैं उसको देखते हैं, तो उसको इतना सब कुछ मतलब वो ग्रामेटिकल टर्म्स उनके दिमाग में बैठ जाते हैं कि उनको पता तो नहीं था कि क्या है वर्ब है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो है कंसेप्ट उनका एक बार आ जाता है कि यस ये सेंटेंस जो है मुझे सही नहीं लग रहा, गलत लग रहा। तो ठीक है, ऐसे होते हैं जो रीडिंग करते हो आप लोग, तो ये सेंटेंस आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, इससे ये होता है कि आपका दिमाग ट्रेन हो जाता है। ठीक है, तो इससे दिमाग को ज़्यादातर कोशिश करें कि आप न्यूज़पेपर रीड किया करें, न्यूज़पेपर में तो ये फ़ायदा होगा कि आप डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वगैरह भी देखेंगे और उससे सीखेंगे, और विकेबलरी वर्ड्स उसमें बहुत से विकेबलरी ऐसी आते हैं जो बहुत टफ किस्म की विकेबलरी होती है, जो न्यू वर्ड्स हमारे पास होते हैं, वर्ड्स कलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप जब वर्ड्स न्यू सीखेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। तो जब आप न्यूज़पेपर या नॉवल या स्टोरी बुक्स या और ऐसी बहुत सी बुक्स आप रीड करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा, आपको न्यू विकेबलरी, आपकी विकेबलरी में इजाफा होगा, आपके ग्रामर में इजाफा होगा। ग्रामर में कैसे इजाफा होगा, मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया कि आप न्यू टर्म्स, न्यू फ्रेजेस, न्यू लाइंस इसमें देखेंगे ऐसे कि जिसमें ग्रामेटिकल टर्म्स होंगे, तो आप उसको देखकर आप समझेंगे, तो आप ये आपके दिमाग में जो है इसे ट्रेन हो जाएगा और आपका ब्रेन इसे ट्रेन हो जाएगा और आप जो है ये टर्म्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अच्छा, देन वी हैव द सेकंड पॉइंट, ग्रामर बुक्स। अच्छा, अब ये भी है कि आप एक न्यूज़पेपर जो है, आप एक न्यूज़पेपर या एक स्टोरी बुक या एक नॉवल आप रीड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर रीडिंग अ नॉवल बुक और अ स्टोरी बुक एंड न्यूज़पेपर और समथिंग एल्स यू आर रीडिंग राइट नाउ, सो यू फाउंड देयर सडनली यू फाइंड सम न्यू टर्म्स देयर, अ ग्रामेटिकल टर्म देयर, सो देन यू आर सपोज्ड टू डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स योर ग्रामर बुक साइड एंड यू हैव टू सर्च देयर दैट ग्रामेटिकल टर्म। आपको चाहिए कि अगर आप एक न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो या एक नॉवल बुक रीड कर रहे हो या एक स्टोरी बुक रीड कर रहे हो, तो अगर आप वहाँ पर एक ग्रामेटिकल टर्म या एक फ्रेज आप वहाँ पर देखें, तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट ग्रामर की बुक ओपन कर लेनी है और उसमें वो चीज़ सर्च करनी है आपने कि ग्रामेटिकल टर्म है कैसे, उसको देखना है, उसको पढ़ना है। तो इसलिए आपने ग्रामर बुक इसलिए लिखा है कि आप ग्रामर के बहुत से बुक हैं, देयर आर मेनी ग्रामेटिकल बुक्स, ग्रामर बुक्स, देयर आर मेनी ग्रामर बुक्स अवेलेबल, सो बहुत से बुक्स हैं जो अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप लोग देखें, एक बुक बाय करें और उसमें आप लोग पढ़े। अगर आप एक न्यू टर्म, एक फ्रेज वगैरह आप देखें, तो उसको बुक में ज़रूर सर्च करें कि ये क्या है, एक वर्ड देखें तो उसमें डिक्शनरी में ज़रूर सर्च करें कि वो क्या है। आजकल तो ऐसे ज़माने के मोबाइल फ़ोन में भी ग्रामेटिकल टर्म्स के लिए वोकैबुलरी वर्ड्स आप लोग डिक्शनरी इंस्टॉल करें तो वहाँ पर ये सब कुछ होता है। मोबाइल फोन में भी आप एक ग्रामर की बुक डाउनलोड करके उससे स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, तो तीसरे पॉइंट हमारे पास ये है कि यहाँ हमारे पास है थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में हमारे पास क्या होता है कि प्रैक्टिस आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस क्या होते हैं कि आपने जो वर्ड सीखे हैं, वोकैबुलरी वर्ड सीखे आपने, आपने न्यू सेंटेंसेस सीखे, तो वो आपने बार बार रिपीट करते हैं। जितना आप उसको रिपीट करेंगे अपने मुंह से, व्हेन यू स्पीक आउट, सो इट विल बी बेटर फॉर योर लर्निंग, इट विल बी बेटर फॉर योर माइंड, इट विल बी बेटर फॉर योर ग्रामर, सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि इससे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस आपकी होगी अच्छी तरह, आप लर्निंग आप इससे करेंगे, तो ये बात है। ठीक है, तो इससे आपके ग्रामेटिकल टर्म जो है, आप जो ग्रामर आपने सीखे, जो वोकैबुलरी वर्ड्स आपने सीखे, ये सब आपके बहुत फायदा रहेगा और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है।
बात भी सुने कि दूसरे क्या कहते, दूसरे को दूसरे के इन बातों पर क्या आइडियाज है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमें इस तरह दूसरों के साथ भी बात उनकी सुननी चाहिए। अगर हम इंग्लिश कन्वर्सेशन की बात करें, हम इंग्लिश ग्रामर सीखने की बात करें, हम कन्वर्सेशन की बात करें, तो दो बंदे जब आपस में बैठे होते हैं तो हम दोनों इन दोनों को चाहिए कि इन इसकी बात भी सुने, इसकी बात भी सुने, दोनों एक दूसरे को मौका दें ताकि एक दूसरे की बात सुन सके। जितना आप सुनेंगे उतना ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि लिसनिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर स्पीकिंग। लिसनिंग जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है स्पीकिंग के साथ। जितना आप सुनेंगे उतना ज्यादा बोलेंगे। मैं बार एक बार और रिपीट करती हूँ, जितनी बार आप सुनेंगे उतना ही आप बोलेंगे। तो ज्यादातर कोशिश करें कि आप रास्ते में जा रहे हो, ELC इंग्लिश लैंग्वेज क्लब आ रहे हो, तो रास्ते में आप लोग हेडफोन्स लगाकर, मोबाइल फोन में हेडफोन लगाकर, आप कानों में हेडफोन लगाकर एक टॉक शो सुने, एक BBC न्यूज सुने, या किसी तरह और चीजें सुने, टॉक शो जो इंग्लिश में हो, इंग्लिश कन्वर्सेशन कर रहे हो, जो इंग्लिश में स्पीकिंग कर रहे हो, तो वो सुने। तो इससे क्या फायदा होगा, आप जितना सुनेंगे उतना बोलेंगे। तो आप न्यू एक्सेंट सुन के सुनेंगे, आप उनकी एक्सेंट सुनेंगे, आप ग्रामर उनकी सुनेंगे, तो आपकी इतनी इंप्रूवमेंट हो जाएगी कि आपके वो सेंटेंसेस दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, सो देन वी हैव फिफ्थ नंबर पॉइंट, राइट। अच्छा, आप जितना रीड करेंगे उतना आप लिखेंगे, ये बात याद रखिए। जितना आप रीड करेंगे उतना ज्यादा आप लिखेंगे। आप रीडिंग करते वक्त ऐसे ऐसे टर्न देख लेते हो, आपकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव हो रही है। जितना आप रीड करते हो उतना ही आपकी राइटिंग स्किल्स भी उससे इंप्रूव होती है। जितना आप रीड करते हो उतनी आपकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होती है। कैसे इंप्रूव होती है, आप रीडिंग करते वक्त ग्रामेटिकल टर्म्स देख लेते हो, आप रीडिंग करते वक्त डिफरेंट फ्रेजेस देख लेते हो, जो फ्रेजेस होते हैं वो आप देख लेते हो। तो इससे क्या होता है कि आप फ्रेजेस देखकर आप उसे ऑब्जर्व कर देते हो, आप उसे दिमाग में बिठा लेते हो। तो जब आप लिखते हो तो आपको लाइन याद आ जाती है कि यस, यहाँ पर फुल स्टॉप यूज हुआ था, यहाँ पर कोमा यूज हुआ था, इस सेंटेंस में हमने जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, यहाँ पर ऐसे करना है, यहाँ पर ऐसे करना है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। तो रीडिंग के आप रीड करेंगे उतने ही बेहतर आप लिख सकेंगे। ओके, सो पॉइंट्स तो फिनिश हो गए, खत्म हो गए। यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी कि ग्रामर इज द की ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक लैंग्वेज के लिए। मैं आपको बता दूं कि एक आदमी होता है, लास्ट में मैं आपको ये बता चुकी हूं कि एक आदमी होता है, वो एक आदमी खड़ा है, ठीक है, एक आदमी खड़ा होता है, तो उसका एक पैर होता है, दो पैर उसके होते हैं, दो पैरों में क्या होते हैं, वो चलता है, वो आगे अपनी गोल की तरफ चलता है, वो जाता है, जहां भी जाते हैं वॉक कर सकते हैं दो पैरों की वजह से। अगर मैं उसकी ये एक पैर खाड़ दूं तो क्या वो आगे बढ़ सकेगा, क्या वो चल सकेगा? नो, नेवर, वो वॉक नहीं कर पाएगा, वो नहीं चल सकेगा। बनिस्पत उसके जिसके दो पैर हो वो दौड़ दौड़ कर आराम आराम से भी जाएगा तो वो अपने पॉइंट तक वो जल्दी पहुंच जाएगा, और वो दूसरा जो है एक पैर वाला वो नहीं जा सकेगा, आगे बढ़ नहीं सकेगा। सेम लाइक दिस हियर, इफ यू टेक दैट एग्जांपल एंड यू कनेक्ट इट विद द ग्रामर, सो यू विल सी द डिफरेंस। द डिफरेंस आर के ये ऐसे है कि अगर हम एक आदमी है, अब ये आदमी जो है ये ग्रामर है, क्या है, सॉरी, ये आदमी जो है ये इंग्लिश है हमारे पास, क्या है, ये आदमी इंग्लिश है हमारे पास, इसके एक पैर जो है वो ग्रामर है, जबकि दूसरा पैर इसका वोकैबुलरी है, क्या है, एक पैर इसका ग्रामर है, दूसरा पैर इसका वोकैबुलरी है। इससे अगर मैं ये एक पैर वोकैबुलरी खाड़ दूं तो ये ग्रामर में आगे बढ़ सकेगा, नहीं बढ़ सकेगा, कभी भी नहीं बढ़ सकेगा, नेवर। उसके पास अगर एक चीज इंग्लिश को आगे बढ़ाने के लिए, मेरी बात का मकसद ये है, मेरे बात का मतलब ये है कि इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश को आगे प्रोपेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, डिवेलप करने के लिए, आपको इंग्लिश के साथ साथ ग्रामर और ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी, ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखनी चाहिए, जो आपको सीखनी चाहिए। और मैं यही का बता दिया कि आप कैसे इन चीजों को सीख सकते हैं, प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। रीड मोर बुक्स एंड ट्राई टू प्रैक्टिस मोर, बिकॉज प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक एंड एंजॉय द वीडियो। एट द एंड मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगी, स्पेशली स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चे को, कि अपने वालिदैन की बहुत कदर करें, अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि यही लोग होते हैं जो आपको अपने मकसद तक, मकसद मकसूद तक आपको पहुँचा सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।